आ गया रजौरी से और डॉग माया माल बकरी घोड़ा हाँ छोटे छोटे बच्चे ये नुशी है। एक बजे पे इसको उधरी 6 बजे पैदा हो गया। ऐसी तरह पैदा हो गया जब कृष्णा मत बोला था हमने। फिर आया सुबह 8 बजे गड़ी गया फिर गाड़ी में लाया जो हाँ ठीक तरह ठीक तरह ठीक तरह मैडम ने देख देख पोछ पाड़ करी इनकी। हाँ तो कितने खुश है आप 3 बच्चे? हाँ खुश है। बस कल 10 बजे आई थी मुझे 10:15 के आसपास मेरे मेडिकल ऑफिसर जो नाइट पे थे उन्होंने कॉल किया। मैं आ रही थी मैं टोल बॉक्स के पास पहुंची थी जस्ट 10 मिनट्स फ्रॉम अवे फ्रॉम हियर। तो फिर मैंने उनको कहा कि उन्होंने कहा कि इस तरह से एक पेशेंट है जो डिलीवर हुआ है 8 बजे एक बेबी उसका घर में और अभी 14 घंटे के बाद भी वो शी इज़ कंटिन्यू विद लेबर पेंस तो अभी हमने एडमिट किया है आप आके देखें। मैं स्ट्रेट अवे आ गई अंदर लेबर रूम में और मैंने देखा कि पेशेंट का जो ये है डिलीवरी होने वाली है। तो ये एक बेबी तो निकल आया हमारे तब तक ये जो पीडियाट्रिशियन थे वो भी आ गए थे वो पहला बेबी देख रहे थे तो दूसरा बेबी हमने उनको ही हैंड ओवर किया। जो ही मैं वापस मुड़ी तो देखती हूँ कि तीसरा बेबी भी आ रहा है। ये पेशेंट अनबुक्ड थी अनइन्वेस्टिगेटेड थे हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था हमारे पास कोई टेस्ट नहीं था। ये रजौरी की पेशेंट थी और यहाँ पे कहीं कैंप में रहती है कहीं वो कहीं मेडोज में टंग मार के वी डोंट नो दैट और इसलिए ये डिफ़िकल्ट था उस वक्त। लेकिन हमने हमारी टीम थी वी आर ऑल हेयर सुबह थी एवरीबडी वॉज फ्रेश तो हमने सब कुछ हैंडल किया अल्हम्दुलिल्लाह विद अल्लाह ग्रेस सब अच्छी तरह से हो गया। तीसरा बेबी भी डिलीवर किया बेबी वेट ठीक था बेबी की गेस्टेशनल एज 34 to 36 weeks थी और बेबी ने बेबीज़ ने क्राई भी अच्छी तरह से किया एब्कॉर्ड स्कोर्स भी अच्छे थे ये सकिंग रिफ्लेक्स भी ठीक था मदर बिल्कुल ठीक थी और हम अब वेट कर रहे थे कि अलग अलग प्लेसेंटा निकलेंगे क्योंकि कॉर्ड्स 3 थी लेकिन वी वर रियली सरप्राइज जब एक ही प्लेसेंटा निकला एंड इट वाज रियली मेसमराइजिंग। तीनों मेल्स हैं तीनों का वेट बेबीज़ का 1.7 kgs और एक बेबी का है 1.8। मैं आपको बताऊंगी ऐसा पेशेंट अगर हमारे पास आता हमने सिजेरियन की प्रिपरेशन की होती है हमने इसको डॉपलर के थ्रू अल्ट्रासाउंड कर करके इसके पीछे पड़े होते हैं हमने इसको डायग्नोज बहुत अच्छी तरह से किया होता है। इसको ऐसे नहीं हम डिलीवर करते नॉर्मली ये थिएटर में डिलीवर होती वहाँ एक टीम ऑफ डॉक्टर्स इसको असिस्ट हमारी डिलीवरी को असिस्ट करते लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी थी अल्लाह ने तो ये अल्लाह ने हमें दिखाना था कि ऐसे भी होता है और किस तरह होता है और सब कुछ नॉर्मल होता है क्योंकि बच्चे 34 वीक्स के सिजेरियन से या नॉर्मल से सर्वाइव नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बेबीज एक्टिव हैं बिल्कुल ठीक है अभी भी मैं राउंड करके आई हूँ मदर भी बिल्कुल ठीक है हालांकि एनीमिक है हम उसको आयरन देंगे उसको 1-2 दिन अपने पास रखेंगे और बेबीज़ को भी ऑब्जर्व करेंगे बेबीज़ अल्हम्दुलिल्लाह।